कि इस चैप्टर के ऊपर एक वन शॉट भी अभी तक नहीं आया है, और या ट्रस्ट मी मैंने इस चैप्टर का नोट्स अभी तक नहीं बनाया, पर मुझे मन किया कि मेरे को वीडियो शूट कर देना चाहिए, तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो शूट कर देते हैं। ऑल्सो पिछले लेक्चर पर मैंने एक प्रॉब्लम देखा कि मेरा जो पेन था वो काफ़ी ज़्यादा साउंड कर रहा था, जो कॉन्सेंट्रेशन के वक्त तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो आई हैव टेकन केयर ऑफ दैट थिंग। मैंने साउंड ऑफ कर दिया है मेरे पेन का, यानी कि जब मैं लिखूँ तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर, और मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा, और अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर दो। तो ये वाला वन शॉट तुमको अवेलेबल हो जाएगा, ट्रस्ट मी आई विल मेक द वन शॉट हेयर ओनली एंड आई विल मेक द PDF राइट हेयर एंड विल पोस्ट दैट PDF टू यू। जनरली इसको वन शॉट कहूँ या माइंड मैप मेरे को खुद भी नहीं पता, पर जो भी कहूँ वही अच्छा है। लाइक दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट वन शॉट और द शॉर्टेस्ट वन शॉट यू कैन एवर हैव। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई अच्छा टीचर पढ़ाता नहीं है, बट आई एम सेइंग दैट व्हाटएवर आई एम टीचिंग टोटली लॉजिकल एंड आई एम टीचिंग इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। सो आई होप दैट इफ यू आर हैविंग एग्जाम्स राइट नाउ देन यू कैन और वी कैन एक्चुअली डू इट वेरी फास्ट एंड ये हेल्प हो जाएगी बहुत बड़ी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू हु, अच्छा सॉरी, तो हु ने क्या कहा बच्चा? हु ने बोला, मतलब WHO ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में क्या सोचा था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में क्या सोचा था? उन्होंने वेलबींग सोचा था, टोटल वेलबींग। अच्छा, वेलबींग के अंदर क्या पड़ता है? NCERT क्या बोलता है वेलबींग का मतलब क्या है? तो वो है कि फिजिकल इमोशनल बिहेवियरल एंड सोशल वेलबींग। वेलबींग का मतलब यहाँ पे था कि हम फिजिकली इमोशनली बिहेवियरली एंड सोशली फिट रहे। क्या रहे? फिट रहे, ताकि हमको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि हम लोगों को कोई भी टाइप का प्रॉब्लम ना हो। ये किसने कहा था? ये हु ने कहा था। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये NCERT में लिखा हुआ है। ये NCERT में लिखा हुआ है कि हु ने कहा था हमारा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो हमारे टोटल वेलबींग को देखता है, हमारे टोटल वेलबींग को देखता है। उसमें ये चार कंपोनेंट्स कंपलसरी है, ये चार कंपोनेंट्स कंपलसरी है। ठीक है, तो क्लियर। अब हम लोग जानेंगे कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज क्या क्या है, क्या क्या है हमारी रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज, वो क्या क्या है ये सब जानेंगे। सिर्फ स्ट्रैटेजीज नहीं, सॉरी, यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी, प्रॉब्लम्स कहाँ हो रही है और स्ट्रैटेजीज क्या क्या है ये भी जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या, देखो ये वाला जो लेक्चर मैं बोल रही हूँ ना, ये ना सुनना ज़्यादा देखना कम। ठीक है, सुनना ज़्यादा देखना कम, और पहली बात बोल रही हूँ NCERT रिवीजन करे बगैर ये लेक्चर देखने नहीं आने का है, क्योंकि ये मैं जो भी करा रही हूँ उन लोगों के लिए करा रही हूँ जिनका चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो उसके लिए डिटेल लेक्चर आएगा बाद में, पर जो पढ़ा हुआ है उन लोगों के लिए मैं पहले दे रही हूँ, बिकॉज इतना ज़्यादा टाइम नहीं है 12th बोर्ड्स के लिए, इसलिए वन शॉट पहले डलवाना ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप आई एम क्लियर विथ माई पॉइंट। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमें क्या दिखता है? हमें दिखता है कि इंडिया ऐसा फर्स्ट कंट्री है जिसने क्या किया, जिसने प्लान्स एंड प्रोग्राम्स किए। कैसे प्लान्स एंड प्रोग्राम्स किए? बहुत प्लान्स एंड प्रोग्राम्स होते हैं ना, कैसे प्लान्स एंड प्रोग्राम्स किए? सोशल गोल के लिए जो प्लान्स एंड प्रोग्राम्स होते हैं, सोशल गोल के लिए। तो ये प्लान्स एंड प्रोग्राम्स कहाँ था, क्या हुआ था इसमें? पहली बार फैमिली प्लानिंग नामक एक प्रोग्राम उन्होंने किया था 1951 में। साल याद रहे 1951 में उन्होंने एक प्रोग्राम किया था। किसके ऊपर किया था मैम? किसके ऊपर किया था? RCH प्रोग्रामिंग, अवेयरनेस के ऊपर, फैसिलिटीज़ के ऊपर, सपोर्ट के ऊपर। किस चीज़ के लिए इतना सब कुछ, खाना पीना फलाना ढिमकाना, किस लिए? रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी के लिए इतना कुछ किया गया था। क्या किया गया था RCH प्रोग्राम किया गया था। उसमें क्या क्या मिला हम लोगों को? अवेयरनेस मिला, मतलब कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फैसिलिटीज़ मिला, सरकार ने हमें कुछ फैसिलिटीज़ दी। सपोर्ट दिया कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रहा है हम तुम्हारे पास हैं, उन्होंने सपोर्ट भी दिया हम लोगों को। ठीक है, तो ये था स्ट्रैटेजी था ये। ठीक है, और क्या दिया? और एक बहुत बड़ा अमूल्य रत्न दिया, इसीलिए येलो से कर रही हूँ, सेक्स एडुकेशन। आज जो हम बात कर रहे हैं ये कभी ना किया होता अगर सरकार ने फैमिली प्रोग्राम नामक कोई चीज़ लॉन्च ही नहीं की होती। क्या हम लोग इसके बारे में बात कर पाते? नहीं, हमारे पेरेंट्स हमको डांटते, बोलते इसके बारे में नहीं बात करना चाहिए, है ना, वो हमें ये बोलते, तो वो नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने खुद सपोर्ट किया है कि सेक्स एडुकेशन सिखाओ बच्चों को। क्यों सिखाओ? ताकि उन्हें मिसकंसेप्शन ना हो, उन्हें किसी भी टाइप का मिथ ना हो, ये सब चीज़ें बच्चों को ना हो, चिल्ड्रन को ना हो, इसीलिए सेक्स एडुकेशन देने बोल दिया था। सेक्स एडुकेशन इसीलिए देने बोला था भारत ने, सरकार ने। तो तुम सोच रहे हो इंडिया की सरकार कितनी दूर तक सोचती है। फिर क्या हुआ? फिर हुआ अवेयरनेस। ठीक है, ये तो अवेयरनेस का ही पार्ट बन गया सेक्स एडुकेशन, बट अवेयरनेस अलग से दिया गया था। किस चीज़ का अवेयरनेस दिया गया था? तो अवेयरनेस का मतलब क्या है? अवेयरनेस का मतलब है सावधान होना। तो किस बारे में सावधान होने बोल दिया था? इसी रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी के बारे में। किसके बारे में? रिप्रोडक्टिवली हेल्दी।
कि हमें रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होना है, इस बारे में अवेयरनेस बोला गया था। अच्छा, अवेयरनेस करने के लिए किसी इंसान की ज़रूरत तो है? हम लोग ऐसे तो खुद को खुद अवेयरनेस नहीं कर सकते। टेबल आके चेयर को तो नहीं बोलेगा ना कि तू मुझे ठुक जाएगा, नहीं बोलेगा। तो कोई इंसान आके एक बच्चे को अवेयर करके जाएगा ना कि टेबल चेयर में ठुक जाएगा? तो वही कोई इंसान तो है जो अवेयरनेस करने वाला था। तब सरकार ने देखा कि कौन अवेयरनेस कर सकता है, पेरेंट्स कर सकते हैं, और कौन कर सकता है, क्लोज रिलेटिव कर सकते हैं जिसके साथ कोई भी कंफर्टेबल हो, फिर कौन कर सकते हैं, टीचर्स कर सकते हैं, बच्चों को टीचर्स अवॉर्ड कर सकते हैं, दोस्त अवॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, और कौन कर सकता है, ऑडियो विजुअल मीडिया कर सकती है। तुमने देखा है वो सारे एड्स जहाँ पे बोला करते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिक यूज़ करो, कॉन्ट्रासेप्टिक, तो ये सब क्यों बोला जाता है? फिर कौन बोलता है, फिर बोलता है प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया बोलता है, ठीक है। फिर कौन करता है, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी, जो सरकार की एजेंसी में ना भी हो वो भी इसके बारे में अवेयरनेस फैला रहा है। क्यों फैलाया जा रहा है, कोई तो रीज़न होगा, क्योंकि हमारे सरकार को चाहिए रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी ही नहीं चाहिए, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी इंसान चाहिए। क्या चाहिए, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी इंसान चाहिए, इसीलिए अवेयरनेस फैलाया जा रहा है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, विच इज़ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। जो हमारे आसपास चलता है उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना काफ़ी ज़रूरी है। तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन किस बारे में चाहिए हम लोगों को, एक तो चाहिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हमारे क्या क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। फिर क्या चाहिए, एडोलेसेंस के बारे में हम लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए। हम सभी इस मोमेंट पे टीनेजर्स हैं, मैं थोड़ी सी बड़ी हूँ पर तुम सभी इस मोमेंट पे टीनेजर्स हो, तो जब तुम्हारे अंदर तुमने फर्स्ट चेंज नोटिस किया था, तुम डरे थे, ऑब्वियसली हर कोई डरा था, ठीक है। तब तुम अपने पेरेंट्स के पास गए थे और तुमने पूछा था कि मम्मी ये ऐसे क्यों हो रहा है, पापा वो ऐसे क्यों हो रहा है। उन्होंने तुम्हें वार्न किया था कि तुम्हारे अंदर एक रिप्रोडक्टिव चेंज आ रहा है। तो एडोलेसेंस के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अगर हमारे बुक्स में हो तो हमें बार बार मम्मी पापा को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें समझा पाएंगे, तुम खुद समझ पाओगे कि व्हाटएवर इज हैपनिंग विद यू इज़ टोटली नॉर्मल, है ना। तो इसीलिए बोला गया है एडोलेसेंस। और क्या एडोलेसेंस रिलेटेड चेंजेस, क्या क्या चेंजेस तुम्हें इस दौरान देखने को मिलेगा जिंदगी में, वो चेंजेस। फिर है सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, ऑब्वियसली दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर एक इस चैप्टर की बहुत सी पार्ट जुड़ी हुई है, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। फिर है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, मतलब कि STDs। तो ये चार के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रहना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इनके बारे में अगर सही वाली इन्फॉर्मेशन नहीं रही तो देयर इज़ नो प्रॉफिट ऑफ अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी, ठीक है। चलो तो अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, इम्प्लीमेंटेशन एक्शन प्लान्स क्या है। इम्प्लीमेंटेशन एक्शन प्लान्स, आई होप कि मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा बहुत तो समझ आ रहा होगा। इसमें क्या होता है, इसमें क्या रिक्वायर्ड, क्या है रिक्वायर्ड, क्या है इसमें रिक्वायर्ड, है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ का। अरे यार कभी कभी ये पेन काम नहीं क्यों करता, मेरे को समझ नहीं आता, इतना यूज़ होता है ये पेन कि कभी कभी काम ही नहीं करता है। और किसका यूज़ होता है, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, मटेरियल सपोर्ट का। इन तीनों चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन एक्शन प्लान्स होनी बहुत ज़रूरी है। तो एसेंशियल सपोर्ट मतलब मटेरियल सपोर्ट, ये किसके लिए एसेंशियल होगा, ये रुको यहीं पे जगह बना देते हैं, ये होगा मेडिकल असिस्टिव केयर के लिए। क्या होगा, मेडिकल असिस्टिव एंड केयर। उसमें क्या क्या आता है मैम, उसमें आता है प्रेगनेंसी, उसमें आती है डिलीवरी मतलब कि मैच्योरेशन, उसमें आता है STDs, उसमें आता है अबॉर्शन, उसमें आता है कॉन्ट्रासेप्शन, उसमें क्या आता है मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, उसमें क्या आता है इनफर्टिलिटी। तो ये सब प्रॉब्लम्स क्या होती है, मेडिकल असिस्टिव केयर, क्या होती है मेडिकल असिस्टिव केयर। और इनकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर रिक्वायर्ड होती है, यही सारी इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है, इनके ऊपर काम करना रिक्वायर्ड होता है। क्यों रिक्वायर्ड होता है, ताकि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहा जाए, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। दीज प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ओके। तो दीज प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हमें इतना तो समझ आ रहा है कि इसीलिए इन लोगों की बात की गई है, ठीक है। हमारा पहला पेज हो गया, सेकंड पेज पे चलते हैं।
तो देखो टाइम साइकिल क्या चल रहा है, टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, बेटर टेक्निक्स आ रहे हैं, है ना, बेटर टेक्निक्स आ रहा है जो क्या कर रहा है, जो एफिशिएंट केयर लाने में हेल्प कर रहा है, जो कि एफिशिएंट केयर एंड असिस्टेंस लाने में हेल्प कर रहा है, असिस्टेंस लाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ज़्यादा ऊपर मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे पर ऊपर ऊपर से जितना भी पढ़ेंगे एफिशिएंटली पढ़ेंगे, ठीक है। ये टॉपिक है एमनियोसिंथेसिस, एंड आई होप यू नो दैट हाउ मच इंपॉर्टेंट इज दिस टॉपिक। एटलीस्ट मैं बोल सकती हूँ बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में कभी कभी क्वेश्चन आए हैं, कभी कभी नहीं आए हैं, तो उस बारे में बाद में बात करते हैं। ये क्या होता है, ये एक फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट होता है, ठीक है। ये फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट होता है, यहाँ से हमें क्या पता चलता है, सोचो ये मेरा बच्चा है, ओहो इसको थोड़ा मोटा करती हूँ, सपोज ये इसके अंदर मेरा बच्चा है, हाँ ये सोचो एक बाउंड्री है, ये सोचो एक बाउंड्री है, इसके अंदर सोचो ये मेरा बेबी है, हाँ ये मेरा बेबी है, आई नो आई एम ड्राइंग वेरी बैड, तो ये मेरा बेबी है, हाँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो क्या है, दो लेयर्स है ऑलरेडी, तो ये वाला जो लेयर है ना, ये वाला लेयर, यहाँ से वो लोग इंजेक्शन घुसाते हैं, ये है इंजेक्शन घुसाया जाता है, और यहाँ से वो लोग क्या ले लेते हैं, देखो पहली बात तो है जो ऊपर वाला पोर्शन है ये है अबडोमिनल वॉल है ये, ठीक है। जो नीचे वाला पोर्शन है ये यूटेराइन, मतलब जो येलो कलर का है वो है यूटेराइन वॉल, क्या है, यूटेराइन वॉल, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये वाला पोर्शन देख रहे हो, मैं जो डॉट डॉट्स बना रही हूँ, ये है एमनियोटिक फ्लूइड है ये, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड है। तो ये फ्लूइड क्या होता है, ये फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, क्या किया जाता है, इंजेक्शन थोड़ी मोटी करती हूँ, पता नहीं मैं क्या ड्राइंग कर रही हूँ यार, ये सोचो एक इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन है, ठीक है, पता नहीं क्या इंजेक्शन ड्रॉ किया, ये एक इंजेक्शन है, और ये इंजेक्शन से मेरी एमनियोटिक फ्लूइड ली गई, और इसको टेस्ट किया जाता है, इसको क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। अच्छा टेस्ट क्यों किया जाता है, ताकि यहाँ से जेनेटिक डिसऑर्डर पता चल सके। क्या क्या जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, डाउन सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है, डाउन सिंड्रोम हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, हेमोफीलिया हो सकता है, यू नो हेमोफीलिया इज सो डेंजरस, ब्लीडिंग होगा तो इंसान मर तक सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, तो इन सब चीज़ों को टेस्ट करने के लिए, मेनली जेनेटिक डिसऑर्डर को टेस्ट करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया था। क्या बनाया गया था, इंजेक्शन से उन्होंने एमनियोटिक फ्लूइड को लिया, फिर उसका टेस्ट किया, ताकि उन्हें जेनेटिक डिसऑर्डर्स पता चल सके। पर प्लॉट ट्विस्ट, ये स्टैट्यूटरी बैन पे है, क्या है, स्टैट्यूटरी बैन पे है, अरे बाप रे इतना अच्छा टेस्ट है तो बैन पे क्यों है, क्योंकि फीमेल फीटीसाइड्स हो रहा है। कितने लोगों को पता है कि फीमेल फीटीसाइड्स का मतलब क्या है, आई एम वेरी वेरी श्योर दैट तुम लोग अपने क्लास एट से तो तुम लोग आराम से पढ़ते आए हो कि फीमेल फीटीसाइड्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। फीमेल फीटीसाइड्स का मतलब होता है किलिंग ऑफ डॉटर चाइल्ड्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉटर के साथ हुआ है, कभी कभी मर्द के साथ भी हुआ है ऐसा। तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम था हमारी इंडिया पे वंस अपॉन अ टाइम, तो ये फीमेल फीटीसाइड्स को बंद करने के लिए, मेनली बंद कर देने के लिए ये स्टैट्यूटरी बैन पड़ा था। तो अगर तुम्हारा बोर्ड से क्वेश्चन आए कि वाई डज द स्टैट्यूटरी बैन वॉज ऑन द एमनियोसिंथेसिस प्रोसेस, तो यू नो व्हाट यू हैव टू राइट एक्चुअली, दैट फीमेल फीटीसाइड्स को रोकने के लिए स्टैट्यूटरी बैन सरकार ने दे दिया था। क्या क्या था, सरकार ने स्टैट्यूटरी बैन दे दिया था। चलो ये टॉपिक क्लियर है। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं एक छोटू सा रिसर्च के ऊपर। एक रिसर्च किया गया था जो रिसर्च का नाम था सी एटोक्रोमान, जो कि गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया था और नॉन गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जान के रखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमें एक बहुत ही सिमिलर सा पॉइंट देखने को मिल रहा है, ये पॉइंट मैं हटा रही हूँ क्योंकि ये पॉइंट एनसीईआरटी का नहीं है। यहाँ से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानने को मिलता है, सहेली क्या होता है। ये सहेली एक टाइप का ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक होता है। हम लोग पढ़ेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक किसको कहते हैं। ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक फीमेल्स द्वारा लिया जाता था, और ये किसने इन्वेंट किया, किसने काम किया था इसके ऊपर, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI इंस्टीट्यूट, ठीक है। इन्होंने काम किया था, कहाँ काम किया था, लखनऊ, ठीक है, लखनऊ में काम किया था।
ये नीट का एक महा महा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, महा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट पर्पज से बोला, ठीक है, नीट पर्पज से बोला मैंने, बोर्ड्स पर्पज से भी, चलो बोर्ड्स पर्पज पे भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो मैंने अभी अभी बोला तुम लोगों को, ठीक है। हमने बात की थी अवार्डनेस के बारे में, तो अभी बात कर रहे हैं हम लोग बेटर अवार्डनेस के बारे में कि हमारे पास बेटर अवार्डनेस क्या हो सकता है, व्हाट इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ बेटर अवार्डनेस। तो इसमें देखो क्या क्या आता है, पोस्ट नैटल केयर मतलब बच्चे होने के बाद उसका ख्याल रखना, डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडी, एसटीडीज होने के बाद उनका डिटेक्शन करना और उनके लिए ट्रीटमेंट ढूंढना, फिर डिक्रीज्ड मैटरनल एंड इन्फेंट माँ और बच्चे का कम मर जाना, ये भी बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। मॉर्टैलिटी रेट्स किसी भी रीज़न से मॉर्टैलिटी रेट्स ज़्यादा बढ़नी नहीं चाहिए। स्मॉल फैमिलीज होनी चाहिए, इट्स अलाउड टू हैव अ स्मॉल फैमिली एंड दैट इज़ मोर पीसफुल, मोर रिस्पॉन्सिबल टू द सोसाइटी। मेडिकली असिस्टेड डिलीवरी, कोई भी डिलीवरी ऐसे वैसे ना हो, वो मेडिकली असिस्टेड हो, क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि कभी कभी क्या होता है, असिस्ट ना करने की वजह से माँ और बच्चे दोनों के मरने के चांसेस आ जाते हैं। टू प्रिवेंट दैट सिचुएशन मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट वेन एवर द डिलीवरी इज देयर लेबर पेन शुड हैपन। ये एक जीके का मैंने पॉइंट बोल दिया तुम लोगों को कि अगर लेबर पेन नहीं हुआ तो जो अमनियोटिक सेल है, जो प्लासेंटा बना हुआ है, उसके ऊपर इफेक्ट करके मम्मी और बच्चे दोनों के बहुत हानिकारक सिचुएशन हो सकते हैं। तो इसीलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मेडिकली असिस्टेड डिलीवरी होना चाहिए। इसके लिए तो गवर्नमेंट्स ने काफ़ी मेजर्स लिए हैं, अभी बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं। अब हम लोग आ रहे हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल के बारे में, पहले कर लेते हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। यहाँ पे कहने लायक ज़्यादा कुछ है नहीं, पर कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखना इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड पॉपुलेशन की यहाँ पे बात करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन, यहाँ पे बात करते हैं इंडियाज पॉपुलेशन। तो वर्ल्ड का पॉपुलेशन तब हुआ करता था 6 बिलियन, इंडिया का हुआ करता था 1 बिलियन, ठीक है। तो 2 बिलियन हो गया 1900 में, ठीक है, फिर 6 बिलियन हो गया 2000 में, फिर क्या हुआ 7.2 बिलियन हो गया 2011 पे, ठीक है। तो 350 मिलियन था ये कब, एट इंडिपेंडेंस, जब इंडिपेंडेंस हो रहा है तब 350 मिलियन था, मतलब सोच भी सकते हो कितना है। 1 बिलियन हो गया जब 2000 था, ठीक है, एंड 1.2 बिलियन हो गया जब 2011 आया। तो ये एक सेंसस रिपोर्ट है, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। ये सेंसस रिपोर्ट एनसीईआरटी फॉलो करती है, मैं बार बार कह रही हूँ ये सेंसस रिपोर्ट मेरी अनगनत कहानी नहीं है, ये सेंसस रिपोर्ट एनसीईआरटी फॉलो करती है, मैंने इसीलिए इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके लिख दिया ताकि ईजी हो पकड़ने में। और प्रॉब्लम क्या था यहाँ पे, प्रॉब्लम ये था प्रॉब्लम्स के बारे में अगर बात करें तो हमने देखा रैपिड डिक्लाइन। ओह, ये शेप डिटेक्टर यूज़ करके मैं क्यों लिखती हूँ मेरे को आज तक नहीं पता, इसको ऑफ बिना के नहीं लिखना चाहिए। रैपिड डिक्लाइन है डेथ रेट, ठीक है, फिर मैटरनल मॉर्टैलिटी रेट, फिर इन्फेंट मॉर्टैलिटी रेट, इन चीज़ों में क्या गिर गया, ये सारी चीज़ें गिर गई, डिक्लाइन हो गया इन लोगों का, ठीक है। तो ये था प्रोबेबल रीजंस, सॉरी प्रॉब्लमेटिक लिख दिया मैंने, प्रॉब्लम कुछ नहीं है इनमें से, पर ये प्रोबेबली हुआ, दिस वाज द प्रोबेबल रिजल्ट ऑफ इट, ओके, ये प्रोबेबली हुआ हमारे साथ। क्या रैपिड डिक्लाइन हो गया, डेथ रेट घट गया, मैटरनिटी मॉर्टल रेट घट गया, इन्फेंट मॉर्टल रेट घट गया, ठीक है, और क्या हुआ, इंक्रीज रिप्रोडक्टिव एज ऑफ पीपल्स, ये लिखना इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या, एक चीज़ इंक्रीज हुआ ये तो इंक्रीज़ हो गया ना, ये इंक्रीज़ हो गया पर बाकी सब कुछ डिक्रीज़ हो गया, ठीक है, डन, ओके। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जहाँ से मेनली क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाता है। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाता है। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए, पहली बात तो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। यूज़र फ्रेंडली का मतलब क्या है, ये फेसबुक है क्या, यूज़र फ्रेंडली हो जाएगा नहीं, ये है कंफर्टेबल का दूसरा नाम, यूज़र फ्रेंडली, ईजिली अवेलेबल, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, देश के एक दुकान में इसे मिलता है, हर दुकान में मिलना चाहिए, हर केमिस्ट के दुकान में मिलना चाहिए, है ना, इफेक्टिव होना चाहिए वरना लोग क्यों खरीदे भाई, रिवर्सिबल होना चाहिए ताकि बार बार खरीदना ना पड़े, नो और लीस्ट साइड इफेक्ट होना चाहिए, साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, नो डिस्टर्ब इन सेक्सुअल ड्राइव होना चाहिए,
कोई भी टाइप के सेक्सुअल ड्राइव में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ये एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का क्या है, धारण है, ठीक है, धारण है। अब अगर मैं बड़ा बड़ा करके कॉन्ट्रासेप्टिव लिख दूँ, चलो लिखते हैं, अगर मैंने बड़ा बड़ा करके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स लिखा तो ये मैंने कोई भी टाइप का डायग्राम नहीं बनाया या मैंने किसी भी टाइप का बड़ा बड़ा हेडिंग नहीं बनाया है। मैं इसे इसीलिए लिखा क्योंकि मैं ताकि बाकी कॉन्ट्रासेप्टिव्स का नाम लिख सकूं, जैसे कि नेचुरल और ट्रेडिशनल, जो पुराना कॉन्ट्रासेप्टिव होता था उसको नेचुरल या ट्रेडिशनल। फिर क्या है, इंजेक्टेबल, तुम बस देखते जाओ कितने टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव निकलते हैं, IUDs, इम्प्लांट्स, ये सब कोई कॉन्ट्रासेप्टिव का टाइप है, अभी तो कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं आया है, ठीक है, बैरियर, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, सर्जिकल मेथड, एंड आई कैन से द मोस्ट सेफेस्ट वन इज सर्जिकल मेथड। धीरे धीरे पता चलेगा क्यों, क्या, कैसे, कब, कैसे हो रहा है, ठीक है। ये हमारा प्रिय कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और ये उनके डिफरेंट डिफरेंट धारण, ठीक है, धारण उनके डिफरेंट डिफरेंट यही है। चलो फिर कंटिन्यू करते हैं, और क्या, नेचुरल मेथड से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, नेचुरल मेथड से। आज लगता है वीडियो थोड़ी लंबी खींचेगी क्योंकि नोट्स बनने में भी टाइम लग रहा है, समझाने में भी टाइम लग रहा है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं लिखूंगी, इसके मैं तीन भाग कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए काम। एक होता है पीरियोडिक एब्टेंसेंस, आई डोंट नो, मैं हमेशा इसका स्पेलिंग ना बहुत गलत लिख देती हूँ, विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस, ठीक है, क्वार्टस इंटरप्टस, या तो लैक्टेशनल एमेनोरिया। स्पेलिंग मेरे को बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है पर मैं गलती वहीं पे करती हूँ। तो पीरियोडिक एब्सेंट इसके बारे में पहले पढ़ते हैं। ये इसमें क्या होता है, इसमें जो कपल होता है ना वो क्या करता है, नो क्वार्टस फ्रॉम डे 10 टू डे 17 मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो कितना इंटेलिजेंट है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल डे 10 टू डे 17 के अंदर चल सकता है, इसीलिए उस पीरियड ऑफ टाइम पे हम लोग कोई भी टाइप का क्वार्टस नहीं करेंगे। इजी पॉलिसी है ना। सो जो चांसेस होते हैं मीटिंग के स्पर्म और ओवा का वो कम हो जाता है ना। सो क्या होगा, नो क्वार्टस फ्रॉम 10 टू 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। पर बता दूँ ये है एक फेलियर मेथड, नंबर ऑफ ओव्यूलेशन, नो फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। फिर आते हैं विड्रॉल और क्वार्टस इंटरप्ट्स की ओर, मेल विड्रॉल पेनिस फ्रॉम वजाइना। क्या होता है, मेल विड्रॉल पेनिस फ्रॉम वजाइना। तो ये मेनली क्या करता है, जब भी क्वार्टर्स के टाइम पे इंसेमिनेशन होने जैसा मोमेंट आ जाता है तब वो अपना पेनिस विड्रॉल कर लेता है। पर ये बहुत ज़्यादा, ये काफ़ी ज़्यादा फेलियर मेथड है, क्यों बताऊँ, क्योंकि ऐसा माना जाता है दिस इज अ फेलियर मेथड, ये भी बता दे रही हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, इसीलिए इसका वाला स्पेशली बता रही हूँ, क्योंकि बिफोर द इंसेमिनेशन द प्री फ्लूइड कम्स आउट, प्री फ्लूइड या बोलो प्री सेमन कम्स आउट विच कंटेन्स स्पर्म्स, ठीक है। तो क्या होता है ना कि विड्रॉल करने के टाइम पे इंसेमिनेशन, सोचो एक मेल को समझ में आ रहा है इस मोमेंट में मेरा इंसेमिनेशन होने वाला है, उसने अपना पेनिस विड्रॉल भी कर लिया, तो उससे क्या होता है कि इंसेमिनेशन से पहले एक प्रीकम लिक्विड निकलता है जो कि प्री सेमिनेशन कहा जाता है, ठीक है। इसमें स्पर्म्स रहता है, और अगर गलती से ये वजाइना के अंदर चला गया तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन हो सकती है, देयर इज अ हाई चांस, ठीक है। फिर आता है हमारा लैक्टेशन एमेनोरिया, ये बहुत अच्छा है। ये क्यों अच्छा है, क्योंकि ये एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन में होता है कब होता है, इंटेंस लैक्टेशन के टाइम पे। तब क्या होता है ना, हमारा मेंस्ट्रुएशन बंद रहता है, तो मैक्सिमम 6 मंथ्स ये सिचुएशन हो रहती है आफ्टर पार्चुरेशन, तो तब कोई भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होता है अगर क्वाइटस हुआ भी तो, ठीक है, कोई भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होता है। इसमें क्या, मेडिसिन इन्वॉल्व नहीं है, नो मेडिसिन इन्वॉल्व, और ये है इसीलिए ट्रेडिशनल प्रोसेसेस। तुम्हें तो समझ में आ रहा है मेडिसिन इन्वॉल्व नहीं है, मतलब ये सबसे ट्रेडिशनल प्रोसेसेस है और ये सबसे हाई फेलियर वाले मेथड है। मैंने तो वो लिख ही दिया, उसका वाला मैंने स्पेशली लिख दिया कि क्यों हाई फेलियर है,
इसका भी अगर पूछो क्यों हाई फेलियर है, क्योंकि कभी कभी सबकी मेंसुरेशन कैलकुलेशन डेज ऐसे वैसे नहीं रहते, 10 to 17 किसी का नहीं भी रह सकता है, तो उसका तो फर्टिलाइजेशन हो भी सकता है ना। और ये वाला ये थोड़ा बहुत लाइफ सेविंग है, क्योंकि मैक्सिमम 6 मंथ्स में अगर किसी का कोइटस हो रहा है तो तब एब्सेंस ऑफ मेंसुरेशन रह रहा है तो कोई भी टाइप्स का प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रोलैक्टिन एंड एफएसएच जो होता है, एफएसएच जो होता है वो अचानक से मेरे मामड़ी ग्लैंड के पास आ जाता है, क्योंकि उसको प्रोलैक्टिन देना है, प्रोलैक्टिन मेरा मिल्क प्रोड्यूस करेगा, तो इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। बट द प्रॉब्लम इज इफ एनीवन्स लैक्टेशन अमोनिया लीड्स और एंड्स बिफोर 6 मंथ्स, तो तब प्रॉब्लम हो सकता है। तो आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम हो कहाँ पर रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा नोट्स में थोड़ा छोटा ही बनाती हूँ, पता नहीं मेरे को अच्छा लगता है। कमेंट बॉक्स में बताना नोट सही बन रहा है या तुम लोगों को थोड़ा बेटर क्वालिटी का नोट्स चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ाते पढ़ाते नोट्स बना रही हूँ। सो इट्स रियली वेरी टफ कि जब कोई पढ़ा रहा हो तो तब नोट्स बनाना मेनली। अच्छा चलो, फिर है बेरियर मेथड्स। अब इस मेथड ये थोड़ा सा लंबा है, हाँ बेरियर मेथड थोड़ा सा लंबा है। इट वुड बी बेटर इफ़ आई वुड टेक अ वन पेज, बट आई डोंट लव टू वेस्ट पेजेस लाइक अदर्स, तो ये मैं नहीं कर सकती हेंस। और वैसे भी मेरे पास कोई आईपैड नहीं है, ये सैमसंग है, तो इसीलिए मेरे को पेज वेस्ट करने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आईपैड में एक लैंडस्केप एक मोड होता है, यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड पे सारा काम चलता है, मैं उसको लैंडस्केप बना देती हूँ, सिंपल बात है। तो ये बेरियर मेथड है, बेरियर मेथड में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन को रोका जाता है। हाँ वो तो हर मेथड में होता है ना, मतलब कैसे रोका जाता है। पहले तो हम लोग बात करेंगे कॉन्डम के बारे में। यस, दिस इज़ अ हाईली हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको मार्क करते चलो, ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कॉन्डम ये बनता है तो रबर से बनता है, ये रबर से बनता है, कवर्स पेनिस और वजाइना। हाँ अब बहुत सारी लड़कियों को लगेगा है ये क्या बोल रही है मैम, हाँ फीमेल कॉन्डम्स आर अवेलेबल, इफ़ यू आर नॉट नोन अबाउट दैट कम टू नो अबाउट दैट, क्योंकि वो अवेलेबल होता है। ठीक है, नो इजैकुलेशन होता है, कोई इजैकुलेशन नहीं होता है तो कोई सेमिनेशन वाला प्रोसेस नहीं होता है। निरोध, निरोध के बारे में पता नहीं कितने जनों ने सुना है, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में है। दिस इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, दिस इज अ काइंड ऑफ कॉन्डम, ये कॉन्डम है प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, ओके निरोध इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, जो क्या क्या करता है, एक तो ये फर्टिलाइजेशन रोकता है, ये क्या क्या करता है देखो, फर्टिलाइजेशन को रोकता है, एसटीडीज़ को भी रोक देता है, एसटीडीज़ को भी रोक देता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन को रोक रहा है, एसटीडी को भी रोक रहा है। ठीक है, तो ये अच्छा चीज़ है। और ये क्या है, सेल्फ इंसर्टेड है, डिस्पोजेबल है, क्या है, सेल्फ इंसर्टेड है, डिस्पोजेबल है। तो तुम देख रहे हो ये कितना यूज़फुल एक चीज़ है, क्यों ना कोई यूज़ करे इसे, ये कितना यूज़फुल एक चीज़ है, इसको सब कोई यूज़ करना चाहता है, इसको सब कोई यूज़ करना चाहता है। मैंने बोला था कि मैं माइंड मैप बनाऊंगी, पर जो मैं टाइम देख रही हूँ ना, इस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि मैं सच में एक एक्सटेंडेड लेक्चर बना रही हूँ पूरा। अच्छा है, थोड़ा लंबा वीडियो होगा, पर एटलीस्ट जो एक बार सुनेगा उसको समझ तो आ जाएगी सारी चीज़ें, और पीडीएफ तो मिल ही रहा है, पूरा माइंड मैप वाला पीडीएफ है, तो आई होप कोई प्रॉब्लम की गुंजाइश ही नहीं रहेगी इसके बाद, आई होप सो। पर इस पर मेरे को लाइक चाहिए, क्योंकि मैं रात के 1 बजे ये वीडियो बना रही हूँ, मुझे नींद आ रहा है फिर भी, क्योंकि आई लव मेकिंग वीडियोज़ फॉर यू ऑल। ठीक है, हो गया, अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसमें सब इग्नोर कर देते हैं। ये भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट बेरियर मेथड्स में पढ़ने वाले डिवाइसेस हैं, नॉट सो मच पॉपुलर एज कॉन्डम। रीयूजेबल रबर है इसका, ठीक है, फीमेल में इंसर्ट किया जाता है, क्या होता है, फीमेल में इंसर्ट किया जाता है इसको। ठीक है, और ये कवर किसको करता है, सर्विक्स को कवर करता है, सर्विक्स को कवर करता है। ये भी स्पर्म एंट्री को रोक देता है, और एक चीज़ होती है जैसे कि स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीज, ठीक है, ये क्या करती है, इंक्रीजेस कॉन्ट्रासेप्शन, ये क्या करती है, कॉन्ट्रासेप्शन को इंक्रीज कर देती है, एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देती है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो यू न्यू अबाउट दैट, ओके। नेक्स्ट टॉपिक पे जो आ रहे हैं हम लोग वो है इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस, क्या है, IUDS। इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस पे बात करने वाले हैं, जो है IUDS, तो देखते हैं ये क्या होता है। ये फीमेल्स के लिए मोस्ट एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्शन होता है। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है ना, कि सबसे एक्सेप्टेड क्या होता है, सबसे सेफ क्या होता है फीमेल्स के लिए, ये होता है सबसे सेफ। तो यहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, यहाँ पे यूज़ किया जाता है कॉपर IUDS। क्या यूज़ किया जाता है, कॉपर IUDS। दिखता कैसे दिखाओ, रुको दिखता कैसे दिखाती हूँ, दिखता ऐसे है, ये देखो टी जैसा है, इसीलिए हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना कॉपर टी। यहाँ पे एक कॉपर है, एक कॉपर की वायर है, ये दोनों कॉपर की वायर है। इनका काम क्या है, इनका काम क्या है, ये स्पर्म फर्टिलाइजेशन को रोकता है, ये स्पर्म फर्टिलाइजेशन को
स्टॉप कर देता है, ओके, स्पर्म फर्टिलाइजेशन को स्टॉप कर देता है, ठीक है, डिले करता है प्रेगनेंसी को, डिलेज प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी को डिले करता है। और ये फिट कैसे किया जाता है, अब समझो ये मेरा यूट्रस है, मैं रफ ड्रॉ कर रही हूँ, कोई नहीं हंसेगा इस मोमेंट पे, ठीक है, ये सोचो मेरा यूट्रस है, आई होप मैंने इतना भी ख़राब नहीं बनाया कि हंसने लायक होगा, ये मेरा कॉपर्टी है, मेरा कॉपर्टी इस पोजीशन में ऐसे रह रहा है, ठीक है, ऐसे उसको इंसर्ट किया जा रहा है, ऐसे उसको इंसर्ट किया जा रहा है, ठीक है, ये है मेरा कॉपर, क्यों मैं एक ही इंक से करती हूँ बार बार, ये मेरा कॉपर टी है, हाँ कॉपर टी, इसको ऐसे इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये नॉन मेडिकेटेड आईओडीएस होता है, सॉरी मतलब मैं क्यों इस टॉपिक पे आ रही हूँ बार बार, अच्छा नॉन मेडिकेटेड आईओडीएस, अब जब आया है दिमाग में बोल देता है, ये होता है लिपीज लूप, क्या होता है, लिपीज लूप होता है, लिपीज लूप, ठीक है, ये लिपीज लूप होता है, कॉपर रिलीजिंग आईओडीएस भी होते हैं, कॉपर रिलीजिंग कौन कौन होता है, अरे बहुत सारे होते हैं, कुछ तो नाम तुम्हें भी पता होगा, एक तो है कॉपर टी, ये तो पता ही होगा, दूसरा है सी यू सेवन, फिर है मल्टी लोड, क्या नाम है, मल्टी लोड 375, फिर है LNG20, तो ये सब चीज़ें हैं जो क्या होती है कॉपर रिलीजिंग आईओडीएस के अंदर आती है। आईओडीएस कैसा दिखता है ये भी मैंने बोल दिया, और ये क्या बढ़ाता है, इसका मेन फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, इंक्रीजेस स्पर्म फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस मतलब किलिंग इट्सेल्फ इन द यूटरस, ठीक है, और क्या होता है, ये यूटरस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन बनाता है, यूटरस को अनसूटेबल बनाता है फॉर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन करने के लिए यूट्रस को वो अनसूटेबल बना सकता है, ठीक है, चलो ये वाला पार्ट हुआ, अब हम लोग वेट, हाँ सही है, अब हम लोग करेंगे, मतलब कम पेज क्यों बचा, मतलब पेज इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो रहा है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक्स, अब हम लोग करेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये क्या बोलते हैं, टैबलेट्स हैं, पिल्स हैं, मतलब टैबलेट्स हैं हमारे पास, टैबलेट्स बोलो पिल्स बोलो जो मन बोलो, ये क्या करता है, फीमेल्स लेते हैं, फीमेल्स, ठीक है, फीमेल्स लेते हैं, और ये क्या करता है, इसमें क्या रहता है, इसका माल मसला क्या है, इसका कुछ तो माल मसला होगा ना इसमें, इसमें होता है या तो प्रोजेस्टेरॉन खुद होता है, या तो एस्ट्रोजन होता है, ईस्ट्रोजन, या तो पी और ई को मिला के उसका मिक्सचर होता है, ठीक है, लाइक पी और ई, पी और मी को मिला के उसका मिक्सचर होता है, तो ये सब होता है टैबलेट्स के अंदर। अच्छा इसको लेना कब है मैम, ऑब्वियसली लेना कब है वो तो बताना ही पड़ेगा, 21 days लेना होगा, और 7 days नहीं लेना है, 7 days का मेंस्यूरेशन चलते वक्त, लेना है 7 days नहीं लेना है, मेंस्यूरेशन पीरियड पे इसको नहीं लेना है, वरना तुम्हारा मेंस्यूरेशन तक रुक जाएगा, क्यों रुक जाएगा, क्योंकि मैं प्रोजेस्टेरॉन है, ऑलरेडी प्रोजेस्टेरॉन है मेरे अंदर, मैं और ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन दे रही हूँ, तो क्या वो अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है वो, अच्छा बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो वो रुक जाएगा, ठीक है, फिर क्या होगा, ये क्या करेगा, इनहिबिट ओव्यूलेशन, इनहिबिट ओव्यूलेशन प्लस इम्प्लांटेशन, ठीक है, इससे क्या होगा, प्रिवेंट स्पर्म एंट्री, तो तुम मान लो कि ये वाला जो पॉइंट मैंने लिखा ये फंक्शन हो गया, हाँ फंक्शन क्या करेगा, इनहिबिट ओव्यूलेशन प्लस इम्प्लांटेशन करेगा तो स्पर्म एंट्री मेरी रुक जाएगी, और इंडिया में तो मैंने पहले ही बोल दिया था क्या है, सहेली है ना, सहेली है ना, सबसे अच्छा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक है ये, अभी अभी कुछ देर पहले मैंने बोला था ना, ये क्या होता है, अच्छा वंस अ वीक पिल होता है, ये वंस अ वीक पिल होता है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं पर बहुत कम होता है, बहुत कम, उससे हम लोग को क्या मिलता है, हाई कॉन्ट्रासेप्शन मिलता है, हाई कॉन्ट्रासेप्शन, अब कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब अगर किसी को नहीं पता तो मैं क्या करूँ, मेरे को नहीं पता है, मेरे को पाताल में जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या है, तो देखो कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब ये है कि अगर कोई कपल्स को बच्चा नहीं लेना है पर उनको कोइटस करना है तो दे कैन यूज़ कॉन्ट्रासेप्शन टू प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन एंड हेंस कोई भी बच्चा नहीं होगा क्योंकि प्रेगनेंसी तो होगी नहीं, इसको कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन, तो ये वाली पॉइंट मैं फिर से कभी नहीं बोलने वाली हूँ, ठीक है, मैं कभी भी फिर से ये नहीं बोलने वाली हूँ, मैंने ऑलरेडी बोल दिया और मुझे नहीं लगता मैंने यहाँ से कुछ मिस किया। अच्छा इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स, उसके बाद कितने सारे टॉपिक्स बचे हैं मेरे पास, अच्छा उधर भी कैटालिटिक्स है, ओके देखते ये वाला कब तक ख़त्म होता है, एक काम करूँगी ये वाला जो टॉपिक है वो इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स तक ही लग लूँगी, एक लेक्चर उसमें कर दूँ, नहीं पूरा एक ही टॉपिक पे ख़त्म कर देते, चलो इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स, इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स, तो इंजेक्शन क्यों यूज़ होता है, अपनी बेसिक कॉमन सेंस से बोलो, इंजेक्शन क्यों यूज़ होता है, क्यों सब यूज़ करते हैं इंजेक्शन को, क्या फ़ायदा है इस इंजेक्शन का, ये क्या करता है, फर्टिलाइजेशन से प्रिवेंट करता है ना, पर इसमें क्या रहता है, इसमें भी सेम कॉम्पोजिशन रहता है ना,
प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन या तो उन दोनों का मिक्सचर रहता है। ये क्या करते हैं, आईयूडीएस विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस, उससे क्या होता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन हो जाता है। और यही इंजेक्शन हमें क्या देता है, मच इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये बेसिकली हमें यही देता है। इसके बारे में और कुछ बोलने को है नहीं क्योंकि पहले वाले टॉपिक में मैंने बोल दिया। सर्जिकल मेथड्स क्या क्या होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टर्मिनल मेथड होता है, तुम्हारे बॉडी का एक पार्ट थोड़ा सा टर्मिनेट होता है। इसमें दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है मेल वैसेक्टोमी, एक होता है फीमेल ट्यूबेक्टोमी। एक होता है मेल वैसेक्टोमी, एक होता है फीमेल ट्यूबेक्टोमी। तो इसमें क्या होता है, थ्रू स्मॉल इंसिशन और स्कोट्रम, इसमें होता है थ्रू स्मॉल कटता क्यों है नेटवर्क, इसमें क्या होता है थ्रू स्मॉल इंसिशन ऑन स्कोट्रम, और इसमें क्या होता है स्मॉल इंसिशन इन एब्डोमेन। तो ये होता है स्कोट्रम में, ये हो जाता है एब्डोमेन में। तो इसमें होता क्या है, इन लोगों का इसका क्या होता है, वास डिफरेंस को थोड़ा सा काट दिया जाता है, टाइड एंड कट। इससे क्या होगा, स्पर्म्स वास डिफरेंस से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, और ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा वास डिफरेंस से, वहीं पे रुक जाएगा। और इसके केस में क्या होता है, इसके केस में जो फेलोपियन ट्यूब होता है उसको टाइड एंड कट किया जाता है। क्यों, ताकि अगर बाय चांस ओव्यूलेशन हो भी जाता है तो साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन तो मेरा फेलोपियन ट्यूब है, वहाँ पे अगर कट हो तो वो पहुँचेगा ही नहीं वहीं तक, है ना, पहुँचेगा ही नहीं। तो इसका मतलब मेरा क्या हो जाएगा, हाई 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 एफिशिएंसी कॉन्ट्रासेप्शन हो जाएगी। ठीक है, इस पे रिवर्सिबल एक्ट नहीं होता है, नॉट रिवर्सिबल, ये किसी भी एंगल से नॉट रिवर्सिबल, बट ऑल्सो हाई कॉन्ट्रासेप्टिव, और आई कैन से द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। कॉन्डम से भी अच्छा काम करता है, कॉन्डम भी कभी कभी फेल कर सकती है, पर ये मेथड कभी फेल नहीं करती है, कभी भी ये मेथड फेल ही नहीं करती है। ओके, इस मेथड का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। मैं इसको डिटेल लेक्चर का नाम देती हूँ, मेरे को प्लान था मेरा कि वन शॉट करेंगे और कम टाइम में करेंगे, मैंने सोचा 45 मिनट्स लगेगा, पर नाउ आई एम सीइंग द टाइम, इट्स ऑलमोस्ट 55 मिनट्स, मतलब वन आवर होने को चला है। मैं इसको थोड़ा सा 1.5x में कर दूंगी ताकि टाइम थोड़ा और बच जाए। ठीक है, देखती हूँ टाइम कितना बचता है, आई होप 45 हो जाए मेरा, 10 मिनट एटलीस्ट बच जाए मेरा, तो तुम लोगों को भी 10 मिनट बच जाएगा। ये जो मैंने पूरा नोट्स दिया, ये जो पूरा नोट्स है, ये तुम लोगों को मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा। और मेरे टेलीग्राम का नाम क्या है, मेरे टेलीग्राम का नाम है मेघा चक्रवर्ती, पहले ही बोल दिया था, ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से नोट्स कलेक्ट कर लो। तुम्हें दो वीडियोस एक ही साथ मिलेगी, पर थोड़ी सी मैं डिवाइड कर रही हूँ वीडियोस को ताकि एडिटिंग के वक्त मेरा वाईफाई हैंग ना खा जाए, बड़ी बड़ी वीडियोस आती है तो मेरा वाईफाई हैंग खाता है, तो इसीलिए आई होप प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए इसको चलने देते हैं। ठीक है, ये वाला वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। हमारे पास STD बचा हुआ है, STD को थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, तो इसीलिए हम लोग STD के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, STD बचा हुआ है और एक चीज़ बची हुई है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम लोग अबॉर्शन के नाम से जानते हैं। ये दोनों टॉपिक्स हमारे पास बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जो बचे हुए हैं, तो उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सी यू सून, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड। इसके बाद वाला वीडियोज़ भी देखना है, वो भी देखना है, दोनों एक ही साथ अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी, शायद इधर उधर का रहेगा थोड़ा सा, पर जल्दी जल्दी अपलोड होगा। अगर तुम्हें अच्छा लगे मेरा चैनल तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम से PDF लेना प्लीज़ मत भूलना। बाय बाय।